धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमकार कलेश के निर्देशन में जिले में चलाई जा रही क्राइम कंट्रोल की मुहिम को लगातार सफलता मिल रही है, जिसमें लूट डकैती और चोरी करने वाले बदमाशों को सलाखों के पीछे ढकेला जा रहा है। आज प्रेस वार्ता में धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि रास्ते में रामपी लगाकर लूट करने की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिनके पास से 2 देशी कट्टे, जिंदा कारतूस, धारदार हथियार, गिट्ठी की बनी रामपी तथा पूर्व में की गई लूट का सामान बरामद किया गया है। इस गैंग में सभी बदमाशों की उम्र लगभग 18 से 20 साल की है। ये आरोपी धार जिले के ग्राम खंडवा व आसपास के रहने वाले हैं। धार पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने कहा कि रामपी वाले गैंग को पकड़ने में पीथमपुर CSP अजय जैन तथा सगोर थाना प्रभारी रजनीश कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और CSP पीथमपुर अजय और उनकी टीम, जिसमें DSP कमिश्नर रजनीश, थाना प्रभारी प्रतीक और उनकी टीम ने मिलकर 26 को एक लूट हुई थी। इसमें रामपी लगा के एक परिवार, बैंक मैनेजर का परिवार जो महाराष्ट्र से इंदौर जा रहे थे, उनको लूट किया और उनका कुछ सामान ले गया था। लगातार सागौर की जो पुलिस है उसकी टीम लगी हुई थी और इन लोगों ने लिपिक की सूचना और अन्य सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को डेवलप किया और इस गैंग को चेज किया और 10 तारीख को रात को घटना करने से पहले इनको डकैती की तैयारी करते हुए इनको गिरफ्तार किया। इनसे 2 पिस्तौल, 2 हथियार और उसके अलावा रापी से भरा हुआ बैग और बाद में पूछताछ करने पे इन्होंने घटना को स्वीकारा और इनसे और भी सामान जो लूट में गया था रिकवर किया गया। अभी इनसे बातचीत चल रही है और इनके द्वारा किशनगंज, इंदौर में और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी लूट करने की घटना बताई गई है। हमने कंसर्न पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और आगे जैसे भी फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।